अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, बकरा चार दांतों का बकरा है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। साबर भाई के फार्म पे आया हुआ है, ठीक है। खजूर ये खा रहा है, इसकी सेहत आप चेक करें, चेक करें इसको, हर लिहाज से बेहतरीन है। बकरे को देखें, जिस भाई को चाहिए साबर भाई से रब्ता कर ले। इसकी सेहत आपको मैं दिखाता हूँ चारों तरफ से, हर तरफ से बेहतरीन है। चार दांत है इसके, कुर्बानी के लिए बेहतरीन है। 2020 साबर भाई, साबर भाई चेक करें जी, से चेक करें इसकी, दांत चेक करें, चार दांत, चार दांत। और साबर भाई से भी ऊंचा, तकरीबन साबर भाई से ऊंचा जा रहा है। मसाला फुल कादम है ना, लंबा बकरा है, लंबा बकरा है, ब्रीडिंग के लिए जबरदस्त, ब्रीडिंग के लिए। वैसे लोग कैसे भी करा सकते हैं ना, कद काट मजीद करेगा ये तो। अगर ये कुर्बानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस साल नहीं, जो लेते हैं लोग, लेकिन ये ब्रीडर है ना, इस तरह के मिलते बड़े मुश्किल से हैं बकरे। अच्छा, ये ब्रीडर है यानी। अच्छा अच्छा, झालर देखे ना, झालर चेक कर। और खास बात ये, इसका छोटा छोटा सा नकोड़ है, इसका छोटे मुंह वाला बकरा जो है ना, कीमती होता है, कीमती है। यानी कि ये सिर्फ ब्रीडर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा मौजू उसी के लिए है। कुर्बानी के लिए वो भी है, लेकिन ये कि ज़्यादा बेहतर है कि ब्रीडर इस्तेमाल किया जाए, जो इसकी जान है, नस्ल अच्छी बनती है। जान आप इसकी चेक करें, झालर चेक करें। चीज़ होती है ये टांग, जो अच्छी टांग का बकरा होता है ना, अच्छे कद में और अच्छे वजन में जाता है। टांग ये इसकी मोटी है, तो इसलिए माशाल्लाह ये मजीद तकरीबन 5 मन वजन उठा सकता है बकरा ये। माशाल्लाह जी, 5 मन होते हैं ना छोटे टांग है, वो तो 3 घंटे भी लगाने लगते हैं बकरे। वही शर्म का, ये तो ब्रीडर के साथ भी जो है ना, महंगाई ज्यादा हो यार। ये भी ब्रीडर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे वाला भी। हाँ, ये थोड़ा मिक्स में है ना, वो प्योर क्वालिटी में है।